गुजरात में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुछ ही घंटों की बारिश में अहमदाबाद एयरपोर्ट तालाब में तब्दील हो गया। नवसारी और जूनागढ़ भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नवसारी में पानी सड़क पर इस कदर भर गया मानो नदी हो। कारें टीन के डिब्बे की तरह पानी में बहती नजर आई। जूनागढ़ में सैलाब ऐसा आया कि भैंसे पानी में बहती हुई नजर आई हैं। गुजरात में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। भारी बारिश का कहर देखने को मिला अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर, जहां कई फीट तक पानी भरा हुआ है। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। अब तक 3 लोगों की मौत गुजरात में हो चुकी है। तटीय इलाकों में प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 26 जुलाई तक समंदर में लोग ना जाएं। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। आने वाले दिन गुजरात के लिए भारी होंगे। बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी बहुत ज्यादा बारिश होगी। बारिश की वजह से जहां जलजमाव से शहरों में हालात काफी खराब हैं, वहीं समंदर भी रौद्र रूप ले लेगा। तटीय इलाकों में लोगों से अपील की गई है कि वे समुद्र से दूरी बनाए रखें। अहमदाबाद पोर्ट के बाहर कैसा मंजर है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है, कई फीट तक पानी भर चुका है एयरपोर्ट के बाहर। कुछ ही घंटों के अंदर भारी बारिश हुई। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जल निकासी नहीं हो पाई और जल जमाव पूरे इलाके में नजर आया। गुजरात के अहमदाबाद का एयरपोर्ट के बाहर का ये नजारा है। आने वाले कुछ दिनों में बारिश का रेड अलर्ट है, लिहाजा लोगों को परेशानी होगी। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। 3 लोगों की मौत गुजरात में हो चुकी है। गुजरात एयरपोर्ट के बाहर की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरों से किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस साल मॉनसून ने उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक कोहराम मचाया हुआ है। वहीं जूनागढ़ से डरावना वीडियो सामने आया है। यहां पानी में कार बहती नजर आई है, लेकिन इसी बीच एक शख्स को देखा गया जो अपने बेटे के साथ कार को सैलाब से बचा रहा था, लेकिन दोनों सैलाब में बह गए। बेटे सिर्फ चीखती रह गई, पापा बह गए। वहीं गुजरात के नवसारी से आए इस वीडियो में देखिए, पानी की धारा में गोदाम के छत पर कई दर्जन गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन ये गैस सिलेंडर पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है और लोगों को डर भी है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। जूनागढ़ और नवसारी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से। कुछ घंटों के अंदर कई इंच बारिश हुई है, जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हो गए। नदी का पानी ऐसा लग रहा था कि शहर में घुस आया हो, और इस दौरान सिलेंडर बहते हुए नजर आए हैं पानी में। और एक तस्वीर जूनागढ़ की है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ जैसे हालात हैं और बाढ़ में भैंसे बहती हुई दिखाई दे रही हैं। गांव और शहरों में पानी भरा हुआ है, जिसमें मवेशी बहते हुए दिख रहे हैं। तो कारें बह रही हैं, मवेशी बह जा रहे हैं, मकान डूब रहे हैं। कुदरत के सामने इंसान लाचार। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति बरने पर उतारू है। प्रलय जैसे हालात नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में नदियों ने घुसपैठ कर ली है, ऐसा दिख रहा है। जूनागढ़ का ही एक और नजारा सामने आया है, जहां लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि जूनागढ़ की सोसाइटी के अंदर पानी भरा हुआ है। पार्किंग में पानी भर चुका है, सिर्फ और सिर्फ ही चारों तरफ नजर आता है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपना शर्मा जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं, और नीलेश मुंबई का हाल बताएंगे। सपना, सबसे पहले जानना चाहेंगे अहमदाबाद की फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, निश्चित तौर पर कुछ दिन काफी मुश्किलों भरे होंगे गुजरात के शहरों के लिए।
बिल्कुल चंदन, बात अगर गुजरात की जाए तो यहाँ के जो कोस्टल इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ की हालत काफ़ी बुरी है। मतलब कि आपने दृश्य में भी देखा होगा कि जिस प्रकार से जो कार है, जो गाड़ी है, वह भी पानी में बहकर जा रही है। साथ ही नवसारी डिस्ट्रिक्ट के भी जो वीडियो हैं वो भी सामने दृश्य सामने आए हैं कि जहाँ पर जो LPG सिलेंडर्स हैं वो बह के जा रहे हैं, दीवारें टूट रही है और जो पार्क में खड़ी हुई जो गाड़ियाँ हैं वह भी बह के जा रही है। बात अगर अहमदाबाद की जाए तो कल शाम यहाँ पर भी काफ़ी तेज बारिश हुई है। तकरीबन एक ही घंटे में या एक से दो घंटे में 4 इंच जितनी बारिश अहमदाबाद के यहाँ पे हुई है। और खास ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की भी बात की जाए तो नवसारी में कल 12 से 14 इंच जितनी बारिश हुई है। हालात काफ़ी बुरे हैं, हर जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है और जल भराव की स्थिति तकरीबन हर जिलों में है। आज भी जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट दिए गए हैं। अभी भी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो अभी भी व्यक्त की जा रही है और जो आगे के जो 3 से 4 दिन है वे भी काफी बुरे साबित हो सकते हैं। जी सपना, अगर बात की जाए तो गुजरात की, तो जो रेड अलर्ट जारी किया गया है आने वाले दिनों के लिए निश्चित तौर पर चुनौतियां काफी होंगी। प्रशासन की ओर से किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ अलर्ट पर रखा गया है? जी बिल्कुल चंदन, बता दें कि कल मुख्यमंत्री भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ संपर्क में हैं और काफ़ी जो जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पानी से जल भराव की जहां पे स्थिति काफ़ी बुरी है, बद से बदतर हालत है, वहां पे वो खुद भी दौरा कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उनके जो कलेक्टर्स हैं, गांव के जो कनेक्शन है वो न टूट जाए, उस प्रकार का जो प्रयत्न है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ ही STRF और NDRF की जो टीम है वो भी तैनात की गई है। टीमें हर इलाकों में भेजी जा रही है कि जहाँ पे जो जल भराव की स्थिति है, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, बाढ़ में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। नदियों की भी हालत काफ़ी बद से बदतर हालत हो रही है, जो दो किनारों से जो नदियां हैं वो बह रही हैं। साथ ही नदियों का पानी है जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी बह के पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पे जो STRF और NDRF की जो टीमें हैं वह भी तैनात की गई है और बचाव कार्य में इनको भी जवाबदारी सौंपी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में पहुँचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का संपर्क किया जाए ताकि लोगों को मदद की जाए। और साथ ही जो राज्य सरकार, मुख्यमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हर पल पल की जो माहिती है वो ले जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं जो हैं वो राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, जिस प्रकार से कामगिरी आज खूब बेहतरीन तरीके से हो पाए। जी बिल्कुल सपना, तो प्रशासन की ओर से अलर्ट है और राज्य सरकार लगातार इस मामले में बनी हुई है और अपडेट्स ले रही है और जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं। जो शहर प्रगति की मिसाल हैं, तरक्की की मिसाल हैं, वहाँ कुदरत का कहर टूटा हुआ है। इस वक्त तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं अहमदाबाद में एयरपोर्ट के बाहर पानी भरा हुआ है और सड़कों पर गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। जो पॉश इलाके हैं उनमें पानी भरा हुआ है, महंगी गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये संकेत है कि प्रकृति का जो दोहन हो रहा है उसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है और गुजरात सबसे शहरीकृत राज्यों में से एक है जहां पर जो शहर हैं वो विकास की मिसाल बने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके बीच पर्यावरण की अनदेखी हुई है, फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अचानक काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। पहले जो तस्वीरें जूनागढ़ का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क पर कार बहती हुई दिखी है और कार के साथ एक शख्स भी बहता हुआ दिख रहा है। बेहद डरावनी तस्वीर, लड़की वीडियो बना रही थी, उसके पिता उसमें दिख रहे थे और पीछे से उसकी आवाज आती है कि पिताजी बह गए। तो ये डरावना मंजर जूनागढ़ का है जहां पानी में कारें बहती नजर आ रही थी लेकिन कार को बचाने की कोशिश करता हुआ एक शख्स भी बह गया। परिवार वाले ऊपर से वीडियो बना रहे थे और ऐसे में उनकी दहशत भरी चीखें सुनाई पड़ रही हैं।
अपने बेटे के साथ कार को सैलाब से बचा रहा था, लेकिन दोनों सैलाब में बह गए हैं। बेटी सिर्फ चीखती रह गई। तो ये मंजर जो हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात का है। गुजरात के नवसारी और जूनागढ़ में भारी तबाही हुई है और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बाढ़ बारिश का कहर टूट रहा है। ये यवतमाल का इलाका है। नजारा कमोबेश वैसा ही है जैसा कि हमने अभी आपको गुजरात का दिखाया। यहां भी रिहायशी इलाकों में ऐसा लग रहा है नदियां घुस आई हैं। पानी का बहाव काफी तेज है, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है, रस्सी के सहारे चलना पड़ रहा है। जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चलाने तक की नौबत आ चुकी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और बुलढाणा का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह एक जैसा नजारा। हमारे सहयोगी निलेश महाराष्ट्र का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निलेश, महाराष्ट्र के कौन कौन से इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट है? जी बिल्कुल चंदन, बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई जो ज़िले हैं वो लगातार मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति झेलते नज़र आ रहे हैं और इसके चलते कई सारे जो हादसे हैं वो भी महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों में देखने मिल रहे हैं। हमने देखा कि कैसे रायगढ़ में एक पूरा जो पहाड़ है वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है जिसमें करीबन 23 जो रहवासी हैं उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ जो अन्य ज़िले हैं, चाहे वो रायगढ़ का इलाका हो, पालघर हो, थाने हो, सिंधुदुर्ग हो, सभी फिलहाल जलमग्न की स्थिति में नजर आते हैं। बीते दिनों इन सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन आज इन सभी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट में भी भारी बारिश होती है, ऐसे में प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं कि किसी भी आपातकाल स्थिति से तुरंत निपटा जाए। महाराष्ट्र में बताएं कि अकेले 12 NDRF की जो टीमें हैं वो लगातार तैनात रहती हैं, जिनमें से अधिकतर जो टीमें हैं वो मुंबई में डिप्लॉय होती हैं, क्योंकि भले ही मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी हो, प्रगतिशील शहर माना जाता हो, लेकिन अक्सर थोड़ी सी बरसात में, कुछ ही घंटों की बरसात में अक्सर जो कई निचले इलाके हैं वो भी जलमग्न हो जाते हैं और कुछ तस्वीरें हमने बीते दिनों भी देखी थी। लेकिन आज मौसम विभाग द्वारा मुंबई शहर के लिए एक सुहाना मौसम प्रेडिक्ट किया गया है। हल्के काले बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन करीबन 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन पश्चिमी राज्यों में हालात काफी बुरे हैं और आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 25 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। Z News.